जिस आएगा ना। तरीके से कलकत्ता की घटना के ऊपर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक खुद को भयभीत होने का बताया है, कैसे देखिए इस बात को? देखिए, देश की अगर राष्ट्रपति महिला राष्ट्रपति भयभीत है तो इस आधी आबादी की क्या हालत हो सकती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। कलकत्ता से वो भयभीत हुई है या देश में कोई राज्य अछूता नहीं है जहां पर नाबालिग बच्चियों के साथ बलात्कार ना हो रहे हो। राष्ट्रपति जी महाराष्ट्र भारत में है, महाराष्ट्र में ठाणे जिले के बदलापुर में मात्र 3 साल की बच्ची के साथ गलत काम भाजपा नेता के स्कूल में हुआ है। पूरा बदलापुर सड़कों पर न्याय मांग रहा था, आप खामोश रही। मणिपुर जल रहा था राष्ट्रपति जी, काश आप खामोश ना रही होती। 11 आदिवासी बच्चियों को नग्न करके सामूहिक जो है वहां से बच्चियों को निकालकर सामूहिक बलात्कार किए गए, उसमें सेना के एक जवान की पत्नी भी थी, आप चुप रही। वहां पर आप महिला गवर्नर मणिपुर की जो तब थी अब हटा दी गई है, आपसे मिलने का समय मांगती गई। विनेश वोगाट, साक्षी मलिक, हरियाणा की बेटियां आपके दरवाजे तक आई थी राष्ट्रपति जी अपने पदक लौटाने, आपसे न्याय मांगने, आपने उनको समय नहीं दिया। उम्मीद की थी जा रही थी कि बेटियों को गले लगाकर उनके पदक उनके गलों में डालकर उनको कहती न्याय होगा, आप नहीं बोले। हंसराज भाजपा का हिमाचल का विधायक है, 20 साल की भाजपा के बूथ अध्यक्ष की बेटी ने कुछ गंभीर आरोप लगाए, न्याय नहीं मिल रहा। मैं खुद वहां पर अपने मुख्यमंत्री सरकार को मिलकर आई हूँ कि जांच होनी चाहिए। राष्ट्रपति जी आप चुप नहीं रहती तो शायद ये अपराध आज नहीं देखने पड़ते, पर आप सिलेक्टिव हो गई हैं क्योंकि आपको पीएमओ से आता है कहाँ बोलना है कहाँ नहीं होना, किस अपराध पे बोलना नहीं, आपको राजनीति से ऊपर उठना चाहिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आपसे लगातार भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस समय मांग रही है क्योंकि देश में अनेकों ऐसे बेटियों के साथ, नाबालिग बेटियों के साथ जघन्य अपराध के मामले चल रहे हैं, न्याय नहीं है। आप हमें समय नहीं दे रही है, आप अगर हमें समय देंगी तो आप और हम मिलकर आपका भी भय और देश की आधी आबादी का भी भय दूर करने में कामयाब होगी। धन्यवाद।